Consider a cylinder of mass m resting on a rough horizontal rug that is pulled out from under it with acceleration a perpendicular to the axis of cylinder. Okay, what is friction f friction at point p? It is assumed that the cylinder does not slip. Okay, तो फ्रिक्शन हमें निकालना है. फ्रिक्शन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन हमें पता है, वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी पता है, तो वहां से हम ओके म्यू का फॉर्मूला लगा देते हैं. म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा एफ अपॉन एम. तो वो हो जाएगा एक्सेलरेशन के टर्म में लिखते हैं. ऐसे एक्सेलरेशन के टर्म में लिखेंगे तो हमारे पास फोर्स है, फोर्स है, उसको यूज कर सकते हैं. फोर्स है फ्रिक्शन का. तो जनरल फॉर्मूला रोलिंग के लिए, हाँ, स्लिप नहीं कर रहा है. अगर स्लिप नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन के लिए मिनिमम कंडीशन है कि ये एम इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय वन प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए. तो सॉलिड सिलेंडर है तो सिलेंडर के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है 1/2, क्योंकि फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एम आर स्क्वायर बाय 2. तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1/2 है, तो आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी ये एम ए बाय 3. तो जो कंडीशन है एक्सट्रीम कंडीशन फ्रिक्शन की, एम ए बाय 3 आएगी. अब ये दिख नहीं रहा यहाँ पे, शायद ये वाला 3 है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, एम ए बाय 3 आना चाहिए.